सी एस सी विली हेल्पलाइन सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे करता हूँ ये गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यदि आपके सामने पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एरर है वो दिखा रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस प्रोसेस के माध्यम से आप अपना पीएम किसान का जो एप्लीकेशन है इसको अप्रूव करवा सकते हैं और किस किस प्रक्रिया के किस किस प्रोसेस से आपको अप्रूवल मिलेगा, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जब भी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन फार्मर कॉर्नर पर जाकर के करते हैं तो उसमें आपको आधार नंबर, बैंक पासबुक डिटेल, इसके बाद फिर आपको फिल करना होता है खतौनी की नकल का पूरा डिटेल, यानी किसान का सारा ब्यौरा आपको यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे ही आप फिल करके सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद होता क्या है, सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है और कुछ इस टाइप का स्टेटस आपको दिखाने लगता है कि आपने इस डेट में रजिस्ट्रेशन किया है, किसान का नाम ये है, पिता का नाम ये है, आधार नंबर ये है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और रजिस्ट्रेशन डिटेल, सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट देखने को मिल जाएगा कि इस तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पर फिर भी एक से डेढ़ महीने बीत जाते हैं पर सेम यही चीज़ आपको रिमार्क में देखने के लिए मिलती है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसका क्या सलूशन है, क्या ये एप्लीकेशन अप्रूव होगा या नहीं होगा, आपको पैसा कैसे मिलेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये किन चैनल के माध्यम से अप्रूव होता है। सबसे पहली चीज़ होती क्या है, सबसे पहली चीज़ ये जो आपका पीएम किसान का एप्लीकेशन होता है ये आपके तहसील पर पहुँच जाता है। जैसे ही आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका जो डिटेल है वो तहसील पर पहुँच जाता है। तहसील पर पहुँचने के बाद तहसील वालों का काम क्या होता है, तहसील पर आपके जो लेखपाल होते हैं, जो नोडल ऑफिसर होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो ये सत्यापित करते हैं कि खतौनी की नकल आप ही की लगी हुई है या किसी दूसरे व्यक्ति की खतौनी की नकल लग गई है। क्योंकि जब आप वहाँ पे अपना खसरा संख्या और खाता संख्या फिल करते हैं और उसके बाद फिर आप अपने खतौनी का क्षेत्रफल डालते हैं तो लेखपाल का काम ये होता है कि वो ये वेरीफाई करें कि ये खतौनी की नकल आप ही की है या किसी दूसरे व्यक्ति की है। और नोडल ऑफिसर का भी यही ड्यूटी होता है कि वो ये देखते हैं कि आपने जो खतौनी की नकल डाली है वो आप ही की है या किसी दूसरे व्यक्ति की। जैसे यहाँ पर अगर मोहम्मद कयूम खान लिखा हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो और खतौनी की नकल में भी इनका मोहम्मद कयूम खान के नाम से अगर इन्होंने मान लीजिए खतौनी का नकल भी यहाँ पर लगाया होगा तो लेखपाल का और नोडल ऑफिसर का काम ये होता है, पहली चीज़ तो ये मैच करवाते हैं कि खतौनी की नकल आप ही की है या किसी दूसरे व्यक्ति की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे की खतौनी की नकल पर जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये जिसको इस चीज़ को पहले देखा जाता है। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये होता है कि आपका आधार कार्ड नंबर और आपका बैंक अकाउंट डिटेल दोनों मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, यानी आपने जो खाता नंबर दिया है और जो आधार नंबर आपने फिल किया है ये आधार नंबर आपके इस खाते में लिंक है या नहीं लिंक है, इस चीज़ को देखा जाता है। इसके बाद आपका ये देखा जाता है कि इस IFSC कोड पर ये खाता नंबर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मेंटेन किया जाता है, इसको जाँच किया जाता है। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल मिल गया तो ये स्टेट लेवल पर जाता है, स्टेट लेवल पर दोबारा जांच होती है, स्टेट लेवल पर जांच होने के बाद यदि आपकी जो डिटेल है उसको सही पाया जाता है तो इसको सेंट्रल लेवल पर भेज दिया जाता है और सेंट्रल लेवल पर आपका डाटा प्रोसेस होने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट पर आ जाता है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो होता क्या है, सबसे मेन प्रोसेस होता है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और या जिसको हम कह सकते हैं तहसील लेवल पर, यहाँ पे होता क्या है आपकी डिटेल वेरीफाई की जाती है, आपकी खतौनी की नकल को वेरीफाई किया जाता है कि खतौनी की नकल आप ही की लगी है या किसी दूसरे व्यक्ति की लगी है। इसके बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वेरीफाई किया जाता है कि खाता आप ही का है, आधार नंबर जो आपने फिल किया है क्या उस नाम पर दिए गए खाते नंबर में आधार कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है, दूसरी चीज़ इस IFSC कोड पर का क्या इस तरीके का कोई खाता संख्या वैलिड है या नहीं है, कोई उपलब्ध है या नहीं है, मतलब जैसे देखा यह जाता है कि इस ब्रांच में ये खाता है या नहीं है, इसको भी सत्यापित किया जाता है। इसके बाद फिर ये देखा जाता है
कि आपने ये जो डिटेल डाली है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज का नाम डाला है, ये सही है या गलत है। खतौनी के नगर से इसको भी वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन होता है इसको अप्रूव किया जाता है। जब नोडल ऑफिसर इसको अप्रूव करते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी अप्रूव हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बस एक चीज़ देखा जाता है कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं है। इसके बाद ये स्टेट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। स्टेट को फॉरवर्ड करने के बाद स्टेट का जो टीम होता है वो इसको फॉरवर्ड करता है सेंट्रल लेवल पर, और सेंट्रल लेवल पर अप्रूव होने के बाद आपका जो अकाउंट में रजिस्ट्रेशन होता है उसके द्वारा आपका जो पैसा होता है वो आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका अप्रूवल सबसे पहले क्या हो। देखिए सब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या पोर्टल के माध्यम से करते हैं, तो पहला काम आप ये करिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लगाया है, यानी खतौनी की नकल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और ये जो रजिस्ट्रेशन के स्टेटस की फोटोकॉपी है, ये चार चीज़ आप एक बार अपने लेखपाल को ज़रूर दे दीजिए। लेखपाल से आप विनती करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपके डेटा को वो अप्रूव करवा दें। आपका डेटा अगर एक बार लेखपाल के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, यानी अगर आपका डाटा तहसील से वेरीफाई हो गया, तो इसके बाद आपके किस्त की जो आने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। रिजेक्शन का चांस मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है, यानी आपका पैसा आने का जो सर्टेनिटी होता है वो ज़्यादा होता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो डिटेल है, यानी आपका ये रजिस्ट्रेशन का एक कॉपी, इसके साथ साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी की नकल, इतनी चीज़ आपको अपने लेखपाल या नोडल ऑफिसर से संपर्क करके उनको दे देना है। उनको देने के बाद आपको करना क्या होगा, वो अगर इसको वेरीफाई कर देते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन है इसके अप्रूवल का चांस मैक्सिमम रहता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ से भी वेरीफाई नहीं हुआ, अगर लेखपाल को देने के बाद बार बार चक्कर मारने के बाद भी आपका डाटा अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसेस कि अगर आपका डाटा अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पीएम किसान पोर्टल पर आ जाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, pmkisan.gov.in के नाम से यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो होम पोर्ट जो डैशबोर्ड है उसको हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए फार्मर कॉर्नर के बगल में आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने जो स्कीम से रिलेटेड अधिकारियों की डिटेल हैं वो खुल करके आ जाएंगी। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे अधिकारियों की डिटेल देखने को मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि यदि रजिस्ट्रेशन करने के 1 से 2 महीने के बाद भी आपकी एप्लीकेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, यानी अगर ये सेम एरर दिखाता है पेंडिंग एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो आपको करना क्या होगा, आपको एक ईमेल लिखना होगा। किसको लिखना होगा, आपको डिप्टी डायरेक्टर जनरल NIC या पीएम किसान का जो ईमेल आईडी है उस पर आपको एक मेल लिखना होगा। क्या मेल लिखना होगा आपको, मेल आपको ये लिखना होगा कि डियर सर मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस तारीख को पीएम किसान के लिए नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन डेट अगर आप रजिस्ट्रेशन डेट आप डाल दीजिए। इसके बाद फिर आप ये डाल दीजिए कि आधार नंबर क्या है फार्मर का, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है और आपने किस तारीख को रजिस्ट्रेशन किया था। यदि संभव हो तो आप एक रजिस्ट्रेशन कॉपी, यानी जो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप इसके साथ ईमेल पर अटैच कर दीजिए, ठीक है। ईमेल पे अटैच करके आपको करना क्या होगा, आपको ये मेल इस ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा। आप देख सकते हैं pmkisan-ict@gov.in, इस ईमेल आईडी पे आपको ये डिटेल भेजना होगा। लिखना क्या होगा, आपको लिखना होगा कि मैंने इस तारीख को, जैसे अब हम इसको देखकर बात करें तो मैंने 4/10/2019 को एक नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान पोर्टल पर किया था और आज 2 महीने हो चुके हैं पर फिर भी सेम एरर देखने को मिल रहा है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और 2 महीने के बाद भी कोई भी परिवर्तन मेरे एप्लीकेशन में नहीं आया है। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने की कृपा करें या मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में मुझे अवगत कराने की कृपा करें। ऐसा ईमेल आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ऐसा ईमेल आपको इस दिए गए ईमेल आईडी पर भेजना होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद पीएम किसान की टीम आपके डिटेल को देखेगा, उसको वेरीफाई करेगा और आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करके आपको बताएगा कि आपको अब आगे करना क्या है। आपका डिटेल अगर कहीं पर रिजेक्ट हो गया है तो आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपका डिटेल इस जगह पर रिजेक्ट हो गया है, या आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे तब जाके हम आपका अप्रूवल आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो इसके माध्यम से आप इसका अप्रूवल आगे करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर भी देखने को मिल जाएगा, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनसे भी बात करके आप अपने पीएम किसान का जो एप्लीकेशन है उसको आप अप्रूव करवा सकते हैं। या अगर आपको इस पे भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पीएम किसान की जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर भी आप बात कर सकते हैं। दोस्तों सबसे आसान तरीका आपके लिए होगा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। दूसरी चीज़, अगर आपसे भी अप्रूवल नहीं मिलता है तो आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगर ईमेल के माध्यम से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, तो आप यहाँ से लिस्ट ऑफ स्टेट नोडल ऑफिसर पर क्लिक करके नोडल ऑफिसर्स का जो लिस्ट है इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ से नोडल ऑफिसर का सारा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारे नोडल ऑफिसर का डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप एक RTI डाल सकते हैं। RTI के माध्यम से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। RTI डालने की प्रक्रिया हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको RTI कैसे डालना है, जन सूचना कैसे मांगना है। तो आप अगर आपकी एप्लीकेशन इसमें भी अप्रूव नहीं होती है तो आप RTI या जन सूचना के माध्यम से डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि मैंने 2 महीने प्रिपरेशन किया था पर अभी तक कोई भी फॉरवर्डिंग या कोई भी अप्रूवल मेरे एप्लीकेशन पर नहीं आया है, तो मुझे अवगत कराने की कृपा कीजिए कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ पर फंसा हुआ है या मुझको अब आगे क्या करना है। तो इस टाइप का आप जन सूचना मांग सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको विभिन्न टॉपिक्स पर कैसे कैसे जन सूचना मांगना होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। हम बहुत ही जल्द जन सूचना डालने की डिटेल को भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आप जो मैंने जो आपको प्रोसेस बताई है उसको आप एक बार फॉलो करके ज़रूर देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो ये डिटेल है वो अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे पीएम किसान के एप्लीकेशन डाले थे, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन किए थे जिनका पैसा आप अकाउंट में आ रहा है। तो एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देख लीजिए, और याद रखिए कि जब भी आप किसी का नया रजिस्ट्रेशन करें तो उनको ये सजेशन ज़रूर दे दीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन की कॉपी, इसके साथ साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड और खतौनी की नकल, इस चीज़ ले जाके वो अपने नोडल ऑफिसर या लेखपाल को ज़रूर दे दें, ताकि उनके डिटेल को जल्दी से जल्दी और आसानी से अप्रूवल मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।